हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। बायोलॉजिकल थेरेपीज के बारे में बात करेंगे आज। बायोलॉजिकल थेरेपीज भी एक टाइप ऑफ थेरेपी है जिसमें बायोलॉजिकल मीन्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब बायोलॉजिकली बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है जिससे मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ट्रीट होते हैं। अब पुराने टाइम में ना कुछ ऐसे स्कल्स मिले थे लोगों के जिसमें देखा गया था कि होल्स ड्रिल किए हुए थे, तो वो बाद में ये पता चला कि वो एक तरह की सर्जरी करते थे जहाँ पे वो होल्ड कर देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि एक टाइम ऐसा भी था जब ये लगता था कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक तरीके से किसी ईविल स्पिरिट की वजह से है। तो वो स्कल में होल करने का एक उनका ये तरीका था कि वहाँ से जो है वो स्पिरिट जो है वो निकल के चली जाएगी, तो वो भी एक सर्जरी का ही एक टाइप था। फिर ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह हम देखते हैं कि लोगों को दिए जाते हैं, जो कि आजकल काफ़ी कम हो गया है, तो ब्रेन सर्जरी हो गई या इलेक्ट्रिक शॉक हो गए, ये दोनों ही चीज़ें आज भी कंटिन्यू होती हैं जो पहले भी होती थी, लेकिन अब इनकी डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हैं और पहले से बहुत माइल्ड हो गए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बात कर रहे हैं ये साइको एक्टिव ड्रग्स की बात कर रहे हैं। ये इस तरह के ड्रग्स हैं, इस तरह की मेडिसिन्स हैं जो दी जाती हैं, जिसको बोलते हैं ड्रग थेरेपी। तो ड्रग थेरेपी में क्या होता है कि इफेक्ट बहुत जल्दी नज़र आने लगता है। ये जो ड्रग थेरेपी है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रीट करने के लिए यूज़ करी जा रही है, काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज में इसका यूज़ होता है। और इसमें सिर्फ एक ड्रग का इफेक्टिवनेस एक फैक्टर नहीं है, एक दूसरा फैक्टर और है इसकी जो अवेयर इतनी इंक्रीज हो रही है ना, इसकी जो पॉपुलैरिटी उसका एक फैक्टर ये भी है कि ये ना फॉर्म जो थेरेपी हमने जो ऊपर जितनी भी पढ़ी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी उनसे कम एक्सपेंसिव है, तो उस वजह से लोग ये इजीली अफोर्ड कर पाते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है इसमें ड्रग्स की वो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स यानी कि जो जिसमें ट्रैंकुलाइजर्स आ जाते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव सिम्टम जो होते हैं स्किजोफ्रेनिया के, जैसे हेलुसिनेशंस होती है, डिल्यूजन्स होती हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती हैं एक पर्सन के अंदर स्किजोफ्रेनिया की वजह से, उसको ये कम कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है। नेगेटिव सिम्टम्स को रिड्यूस नहीं कर पाती है। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे इमोशंस खत्म हो जाना और विड्रॉल हो जाना बिल्कुल ही, तो वो चीजें नहीं कंट्रोल कर पाती, लेकिन पॉजिटिव सिम्टम्स को कम कर देते हैं। फिर उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है साइको एंटी साइकोटिक ड्रग्स का, जिसको ये बोलते हैं फिनोथियाजिन्स। फिनोथियाजिन्स क्या है, ये एक फ्रेंच सर्जन ने बाई एक्सीडेंट डिस्कवर कर लिए थे। उस सर्जन का नाम था हेनरी लेबोरेटी, एंड उन्होंने क्या किया था, ये एक ड्रग यूज करने वाले थे जब वो एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम करने के लिए उसको दे रहे थे। ब्लड प्रेशर क्यों, क्योंकि सर्जरी होने वाली होती है जैसे, तो लोगों का ना बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे पहले ये मेडिसिन्स कई बार दी जाती हैं कि उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसमें इसी कैटेगरी का एक ड्रग था थोरेजीन यानी कि क्लोरोप्रोमेजीन, उससे ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दिया गया था, पर इन्होंने ये नोट किया हेनरी लेबोरेट ने कि ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं आया, वो ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी बहुत कम हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस ड्रग को फिर जब दूसरे पेशेंट्स के साथ यूज़ किया गया तो उन्होंने भी देखा कि ये ड्रग जो है एंग्जाइटी बहुत रिड्यूस कर देता है लोगों में, और साथ ही साथ हेलुसिनेशंस भी कम हो जाती हैं, डिल्यूजन्स भी कम हो जाती हैं जो स्किजोफ्रेनिया के मेजर सिम्टम्स हैं। तो फिर ये एक डिस्कवरी हुई थी बाई चांस। और ये कैसे काम करता है, साइकोटिक ड्रग्स जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, ये देखा गया है कि ये कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामिन, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है जब ये ओवर यूज हो जाए। और इसमें काफी नए टाइप के ड्रग्स भी बाद में आए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, जो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इस तरह के ड्रग साइड इफेक्ट्स भी करते हैं, जैसे ब्लर्ड विजन हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, और बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक तो साइड इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, उसमें क्या होता है, ट्रेमर, हैंड हाथ कांपने लगते हैं, मस्कुलर वीकनेस हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है, और भी सीरियसनेस हो जाती है सिम्टम्स में, और सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे
मसल कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल में नहीं होती, नेक की, हेड की, टंग की, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रहती है। और एक बहुत ही सीरियस जो साइड इफेक्ट है वो है टार्डाइव डाइकिनेशिया। इसमें क्या होता है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ले लिया है, लंबे समय से ले रहे हैं, तो पेशेंट को ये क्या होता है, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल हो जाता है फेस का स्पेशली, तो अपने फेस के मसल पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से एंटी साइकोटिक ड्रग्स के सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद और भी न्यू एंटी साइकोटिक ड्रग आए हैं जिनमें कोशिश करी गई है कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स ना हो, जैसे क्लोजरिल या फिर क्लोजपाइन जो कैटेगरी का ड्रग है वो, उसमें कहते हैं कि टार्डाइव डाइकिनेशिया नहीं होता है, लेकिन उसका खुद का भी एक मोस्ट सीरियस वो है साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइटोसिस, यानी कि फेटल ब्लड डिजीज, तो वो तो और ज्यादा फेटल हो जाता है। अभी और भी रिसर्च हो रही है, ये सब चीजें रिसर्च कर रहे हैं कि और ऐसे ड्रग्स बना सकें जिनके साइड इफेक्ट्स कम हो। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये ड्रग्स क्योर नहीं करते हैं डिसऑर्डर को, सिर्फ उसके सिम्टम्स को कम कर देते हैं, क्योर नहीं कर पाते हैं। और भी ड्रग्स हैं जिनको एटिपिकल बोलते हैं। एटिपिकल मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को जाके इफेक्ट नहीं करते हैं, ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करते हैं और ये नेगेटिव सिम्टम्स भी कम कर देते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ इमोशंस हो जाते हैं या विड्रॉल सिम्टम जो उसमें दिखता है स्किज़ोफ्रेनिया में, जो एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं कर पाता वो ये वाले ड्रग्स कर लेते हैं। फिर आते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, यानी कि जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नाम आपको दिख रहे हैं लिखे हुए, तो ट्राईसाइक्लिक्स हो गए या SSRI या MAO इनहिबिटर्स हैं। तो इनहिबिटर वर्ड जहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है मतलब वो उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को कम कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो प्रोजैक हो गया जैसे, इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, इसमें नर्वसनेस, इंसोम्निया, जॉइंट पेन, वेट लॉस, इस तरह की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। MAO इनहिबिटर्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं, इसमें तो ये REM जो हमारी रैंडम आई मूवमेंट स्लीप होती है इसको टोटली एलिमिनेट कर देता है, और अगर हमने गलती से इसको चीज, बियर या रेड वाइन के साथ किसी पेशेंट को दिया तो उसमें सडनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के और स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। ट्राईसाइक्लिक के भी कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट देखे गए हैं, स्लीप में डिस्टरबेंस होती है, भूख नहीं लगना, और जो धीरे धीरे कम भी हो जाते हैं बाद में। वन फाइनल पॉइंट ये कह रहे हैं कि रिसर्च से ये पता चल रहा है कि ड्रग्स जो है ना वो डिप्रेशन ट्रीट कर लेते हैं बट वो साइकोथेरेपी से ज्यादा इफेक्टिव नहीं माने गए हैं, स्पेशली कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी की अगर बात करें डिप्रेशन के केस में, तो ड्रग्स से ज्यादा बेटर जो इफेक्टिव है वो है कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी। फिर एक लिथियम एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग है जिसको लिथियम क्लोराइड के फॉर्म में दिया जाता है। ये बाइपोलर जो मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, मूड डिसऑर्डर बाइपोलर, उसको ट्रीट करने के लिए होता है। अगेन इसके भी बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं, इसमें आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसको डिलीरियम कहते हैं, और इवन डेथ भी हो सकती है। तो सारे ड्रग्स के बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी हैं, जैसे ट्रैंकुलाइजर्स हैं जिसके पहले मैं बात पहले भी की थी। ट्रैंकुलाइजर्स मतलब आपको काम डाउन कर देते हैं अगर ये ड्रग्स आपको दिए जाए, जैसे बहुत ही फेमस ड्रग है वैलियम, एटीवन, जेनाक्स, लिब्रियम। तो द मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड आर बेंजोडाइपिजीन्स कैटेगरी में आते हैं ये ड्रग। ये केमिकल नेम हो गया बेंजोडाइपिजीन्स, ये इनके कमर्शियल नेम है वैलियम, एटीवन। अच्छा, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये स्लीपिंग में हेल्प करते हैं, एंजाइटी कम करते हैं तो नींद आराम से आ जाती है। और एक बारबिट्रेट्स करके एक वो है जो ड्रग्स की जो एक टाइप है, उसमें वो भी होते हैं जो यूज दिए जाते हैं एंटी एंजाइटी के लिए। अब बेंजोडाइजिपिन्स में क्या है कि वो बॉडी में ज्यादा समय तक रहते हैं और बाद में वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाते हैं, बॉडी में जहर बन जाते हैं। तो बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजिपिन के कंपैरिजन में बारबिट्यूरेट्स ज्यादा बेटर माने जाते हैं। बेंजोडाइपिन्स पे हमें डिपेंडेंसी हो जाती है, हम उन पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, अगर वो
बंद कर दिया जाए देना, तो विड्रॉल सिम्टम नजर आते हैं। जैसे होता है ना कि किसी चीज की एडिक्शन हो जाए, उसको बंद कर दो तो विड्रॉल सिम्टम दिखते हैं, तो वही सेम चीज होती है इसमें भी। ये ड्रग्स क्या करते हैं, गाबा एक न्यूरो ट्रांसमीटर इनिबिटर है हमारे ब्रेन में, जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को कम करता है, तो ये ड्रग्स भी वही काम करते हैं, इसलिए हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। फिर उसके बाद और भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं, जैसे बूस्पार है, तो बूस्पिरोन और बूस्पार उसका कमर्शियल नेम हो गया। इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा ड्राउजीनेस जो है कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, वो ड्राउजीनेस वाली फीलिंग नहीं होती है, पर इसका असर होने में टाइम लग जाता है, कई बार 1 से 3 हफ्ते बाद इसका असर नजर आता है, पर ये ऑब्वियसली उनसे बेटर है जो पहले हम बात कर रहे थे। कुछ ड्रग्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनका अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता चला है, क्योंकि वो अभी अभी नए नए लॉन्च हुए होंगे, बने होंगे, तो अभी उनके हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता है। एथनिक डिफरेंस भी होता है, एथनिक डिफरेंस मतलब आप किस कल्चर को बिलोंग करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कैसा असर हो रहा है। एशियंस को माना जाता है कि कम डोज देने से ही उनके ऊपर असर नजर आने शुरू हो जाता है, जबकि यूरोपियंस को ज्यादा डोज देनी पड़ती है। तो चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो या और कोई और न्यूरोलेप्टिक्स टाइप के ड्रग्स हो, इसमें देखा ही गया है कि एशियंस में इन ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है रेदर देन यूरोपियंस। तो अफ्रीकन और एशियंस को कम डोज देनी पड़ती है और यूरोपियंस को ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने किसी पेशेंट को ट्रीट करते हो और आपको ये नहीं पता कि वो कौन से एथनिक बैकग्राउंड का है, तो उस ड्रग की जो आपने उसको डोज दी है उससे बहुत सीरियस इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एथनिक बैकग्राउंड किसका क्या है और उसके बेस पे उसको डोज देनी होती है। फिर ईसीटी की बात करेंगे, जिसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी तब तक दी जाती है जब तक कि सीजर ना हो जाए पेशेंट में। तो ये होता है 70 to 130 volts का वो शॉक होता है, और 1 सेकंड का बीच में ब्रेक देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं जब तक पेशेंट में सीजर ना हो जाए। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है बॉडी में, पूरी बॉडी में 20 to 25 seconds के लिए, और बोन्स भी ब्रेक हो सकती हैं। ये इसका एक वो है कि इसको ध्यान रखना पड़ता है कि बोन्स ना ब्रेक हो, उसलिए पहले ही मसल रिलैक्सेंट और माइल्ड एनेस्थेटिक दे दिया जाता है, ताकि उसका जो असर है वो इतना सीवियर ना हो जाए। यूजुअली पेशेंट को 3 ट्रीटमेंट देनी होती है 1 हफ्ते में, और ये काफी हफ्तों तक चलता है। डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव थेरेपी मानी गई है, जबकि देखा जाता है कि थोड़ा सा डेंजरस भी लगती है देखने में। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ईसीटी के लिए बोलती है कि उनके लिए यूज किया जाए जो सुसाइडल है, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना कई बार जो सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है जिनमें, या मतलब साइकोटिकली डिप्रेस्ड हैं बहुत ज्यादा, जो खाना भी नहीं खाते हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं, या एक ही पोजीशन पे घंटों तक बैठे रहते हैं स्टूपर। अब इसमें इसकी डिसएडवांटेज क्या है, एपिसोडिक मेमोरी कई बार लॉस हो जाती है, कुछ कुछ पुरानी जो भी आपकी पर्सनल मेमोरीज होती हैं वो लॉस हो जाती हैं, और कई बार ये इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है कुछ ब्रेन के पोर्शंस को। वैसे ये पेनलेस होती है, इसकी जो वो होते हैं शॉक्स वो इतने पेनफुल नहीं होते, लेकिन जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, इस वजह से इसको कई कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, और इसको इसका यूज़ पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। फिर साइको सर्जरी में हम क्या करते हैं, ब्रेन के पार्ट्स की सर्जरी करते हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बताया हुआ है कि इगास मोनीज एक साइकेट्रिस्ट थे पोर्टुगीज के, इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया था कि एक पेशेंट का अग्रेसिव बिहेवियर कम करने के लिए, वो साइकोटिक पेशेंट था, उसके अग्रेसिव बिहेवियर को कम करने के लिए क्या किया, जो इनके प्री फ्रंटल लोब होते हैं ना ब्रेन का, जो एकदम सामने वाला पार्ट है, उसमें न्यूरल कनेक्शन को कट कर दिया, मतलब ब्रेन से जो बाकी पूरे ब्रेन से उसके पूरे ब्रेन में आगे वाले पार्ट से जो कनेक्शन जा रहे हैं उनको थोड़ा सा कट कर दिया, सीवियर कर दिया बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल लोबोटोमी। ऑब्वियसली अग्रेसिव बिहेवियर रिड्यूस हुआ, और इसीलिए इनको बाद में नोबल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए, पर बाद में क्या हुआ कि बहुत ही वो था अनफॉर्चुनेटली कि इन्हीं के एक पेशेंट ने इनको जो है लेटर शॉट कर, मतलब इनको मार दिया था, इनका मर्डर कर दिया था। तो उसके बाद से ये प्रोसीजर जो है इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई थी।
काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर ये प्रोसीजर किया गया बाद में, और जब ये करते रहे तो उसके कुछ टाइम बाद एक चीज सामने आने लगी कि हमेशा इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि कई लोगों में क्या हुआ कि इसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स दिखे कि वो बहुत एक्साइटेबल और इम्पल्सिव हो गए, बिना सोचे रिएक्ट कर देना, और एपैथी हो गई, बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही इमोशनलेस हो गए, कोई इमोशंस नहीं उनके अंदर। हो सकता है इसीलिए उनके जो एक पेशेंट थे उन्होंने ऐसा किया था उनके साथ, तो वो बिल्कुल ही इमोशंस खत्म हो गए और एकदम इम्पल्सिव सा बिहेवियर हो गया। फिर उसके बाद एक और होता है सर्जरी जिसको बोलते हैं सिंगुलोटॉमी, जिसमें ब्रेन का एक छोटा सा एरिया होता है जिसके जिसका कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम से कट कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रोसीजर है जो ओसीडी या डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। आजकल जो न्यू प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं जिसमें स्कैनिंग वगैरह करते हैं, छोटा सा वीडियो कैमरा ब्रेन में डाल के एमआरआई स्कैन या छोटी सी इमेजेस के थ्रू देखा जाता है प्रिसाइजली कि कहाँ पे हमें ब्रेन के लीजन्स करने, लीजन्स करने का मतलब है हल्का सा कट लगा दिया, तो उस टाइप से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका ना एक एथिकल इशू बहुत ज्यादा उठता है कि क्या किसी के ब्रेन के पार्ट को कट करना, डिस्ट्रॉय करना एथिकली राइट है? क्या हमें किसी के हेल्दी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इवन इफ वो अगर आगे उसकी बीमारी को ठीक करे, ये सोच के? और कई बार तो ये हमें गारंटीड भी नहीं होता कि वो कुछ काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये इसमें क्वेश्चंस उठते हैं। फिर आती है इंडिजिनस थेरेपीज, मतलब हमारे खुद के इंडियन जो थेरेपीज हैं, जिसमें से योगा एक बहुत ही मेजर थेरेपी मानी जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, बहुत पॉपुलराइज्ड भी हो रही है इंडिया में अब तो। तो योगा इज अ साइंस ऑफ माइंड, प्रोवाइड्स इफेक्टिव टेक्निक फॉर प्रमोटिंग मेंटल पीस एंड ट्रैंक्वलिटी। योगा के बारे में पतंजलि जिसको बोलते हैं, कंपोज्ड ऑफ योग सूत्र बिटवीन 200 BC एंड 200 AD, मतलब इसमें योग सूत्रास हैं जिसमें 8 टाइप के योगास बताए हैं, अष्टंग योगा बोलते हैं। और ये कौन कौन से हैं? यम, नियम, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि। तो ये सब हैं, एक एक करके देख लेते हैं। यम का मतलब आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, अपने दूसरों के साथ आप कैसे ट्रीट करते हो। तो डोंट्स हैं इसमें जो हमें नहीं करना चाहिए, दाउ शेल नॉट, यानी कि जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज है नॉन वायलेंस, जिसको हिंसा बोलते हैं, कि किसी की किसी भी लिविंग क्रिएचर को हमें हार्म नहीं करना चाहिए। सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना है, हमेशा ट्रूथफुल रहना है। अस्तिया यानी कि नॉन स्टीलिंग, मतलब किसी की किसी और की चीज को नहीं चुराना है। ब्रह्मचर्य यानी कि प्योरिटी ऑफ सेक्सुअल लाइफ। अपारिग्रह नॉन पोजेसिवनेस, यानी कि हमें अपने आप को ग्रीड, ग्रीड यानी कि लालच से और चीज़ों के, जैसे होर्डिंग का मतलब होता है चीज़ें इकट्ठी करके रखना, तो वो सब नहीं करना है, कलेक्शन नहीं करनी किसी चीज़ की, हर चीज़ को जाने देना है। फिर नियम दूसरा आ जाता है, यम के बाद नियम यानी कि डिसिप्लिन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डूज है जो हमें करने हैं। तो दाउ शेल्स, तो स्वच्छ यानी कि ये स्वच्छ या स्वच्छ है यानी कि प्योरिटी है, अपने आप को प्योर रखना, नेगेटिविटी से दूर रखना, अपने सराउंडिंग्स को और खाने पीने को साफ सुथरा रखना। संतोष है यानी कि कंटेंटमेंट, हमेशा हैप्पी और कंटेंट फील करना। तपस यानी कि ऑस्टेरिटी, यानी कि अपनी बॉडी में डिसिप्लिन होना चाहिए, स्पीच में और माइंड में। तो जो आप बोल रहे हो उसमें आपके कंट्रोल होना चाहिए, जो आप कर रहे हो उस पर कंट्रोल होना चाहिए और अपने माइंड पे। फिर स्वाध्याय यानी कि स्टडी ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट, तो एजुकेशन के ऊपर मतलब ये फोकस कर रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ों की एजुकेशन लेनी चाहिए जो सेक्रेट होती हैं। फिर ईश्वरा प्रणिधाना, लिविंग विद द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन, मतलब एक वो जो फियर होता है ना गॉड का, फियर भी नहीं, मतलब एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि गॉड है, कोई ना कोई एक डिवाइन वो है जिसको हमें, बुद्धा हो गए या कोई और जो गॉड है उनको हम मानते हों। फिर आसनाज है, आसन मतलब पॉस्चर, हमारे बॉडी पॉस्चर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉस्चर्स हैं जिससे हम अपनी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो स्टेबलाइज करते हैं, तो उसमें आसन से मेडिटेशन आ जाता है या स्ट्रेचिंग आ जाता है, रिलैक्सेशन।
प्राणायाम मतलब हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ, तो वो प्राणायाम में आ जाती है। प्रतिहारा मतलब विड्रॉल ऑफ दी सेंसेस, मतलब अपने मेडिटेशन के टाइम पे या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइम पे आप अपना ध्यान पूरा इनवर्ड लेके आ जाओ, कॉन्सेंट्रेशन पूरी इनवर्ड अपने ऊपर ले आओ, अपनी सेंसेस के। धारणा और कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, यानी कि अपने दिमाग से फालतू बातें सारी दूर करके एक जगह पे फोकस करना। ध्यान मतलब अनइंटरप्टेड मेडिटेशन, आपका ध्यान एक ही जगह होना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजों के बीच में फर्क पता हो आपका, देखो कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन में क्या फर्क है। अगर आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो लेकिन आपको फिर भी पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो वो तो हो गई धारणा। और ध्यान क्या हो गया कि आप सिर्फ यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग एंड नॉट मेडिट, तो ये तो होता है आपका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप किसी एक चीज पे ध्यान दे रहे हो। मेडिटेशन कह रहे हैं कि ये हमारी पूरी पूरे डे की काम में मेडिटेशन हो सकती है, जैसे अगर आप अपने काम में पूरी तरीके से डेडिकेटली इन्वॉल्व हो तो वो भी एक तरह की मेडिटेशन है, पूरा ध्यान आपका उसमें, या आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो या कुछ जो भी आप बड़े ध्यान से करते हो वो ध्यान हो गया। देन समाधि मींस जब आपके ये ऊपर के सातों चीजें आप कर लेते हो तो फाइनली आपका एट अल्टीमेट गोल जो होता है समाधि का, जब एनलाइटमेंट हो जाती है, जैसे जिसे कहते हैं कि आपको आपकी और गॉड की यूनियन हो जाती है, एनलाइटमेंट हो जाती है। तो पहले 5 स्टेप जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा, ये प्रिलिमिनरीज हैं योगा के जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, वो आपकी बॉडी और ब्रेन से कनेक्टेड हैं। और लास्ट 3 जो हैं वो दे आर कंसर्न विद रिकंडीशनिंग द माइंड, आपकी माइंड को रिकंडीशन करने के लिए है, आपको एनलाइटन करने के लिए है, और आपको अपनी फुल रियलाइजेशन ऑफ वननेस के लिए है। तो योगा से क्या बेनिफिट्स हुए हैं और क्या होते हैं, तो ये एंजाइटी को ट्रीट करता है, डिप्रेशन को ट्रीट करता है, अल्कोहल डिपेंडेंस को ट्रीट करता है, ADHD जैसी प्रॉब्लम्स भी ट्रीट हो चुकी हैं, ये सब एविडेंसेस हैं ऑलरेडी। और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं जो बॉडीली प्रोसेसेस से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ों में इफेक्टिवनेस देखी गई है योगा थेरेपी की। ये आपके इमोशनल ब्लॉक्स को खत्म करता है और मसल टेंशन्स और ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को, तो ये सारे बेनिफिट्स योगा के हैं। मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है कि दो डिफरेंट लेवल पे होती है मेडिटेशन, एक होती है विपासना, एक होती है पतंजलि योगा। और ये बेसिकली क्या है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, तो अपने माइंड को कंट्रोल करके एक जगह पे फोकस करना मेन इसमें होता है, और बाहर की जो भी चीजें हैं उसको मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो आपको डिस्टर्ब करती हैं जो चीजें, उनको अपने माइंड में आने ना देना, जिससे आप डिस्टर्ब ना हो, आपका माइंड कंट्रोल में रहे। या फिर एक चीज और होती है कि इंटरनल बायस है जो उसको फोकस करके नॉन इंटरप्रिटेटिव रिसेप्शन ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन, मतलब ये हो गया कि इंटरनल बायस को आप फोकस कर रहे हो, अपने आप के अंदर अंदर फोकस कर रहे हो और किसी तरह की बायसनेस नहीं लाने दे रहे हो अपने अंदर, किसी भी तरह की वन साइडेडनेस या बायसनेस नहीं लाने दे रहे हो। योगा के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कर्म योगा, निद्रा योगा, राज योगा, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा हैं। तो इसके आगे हम साइकोथेरेपी की इफेक्टिवनेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।